ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के आज दूसरा दिन है और आज कल की भांति ही देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख पत्रकारिता जगत के हस्तियां यहां पे मौजूद रहने वाली है। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे आप हम लोग अपना रुख करते हैं स्टूडियो की तरफ, जहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के दूसरे दिन मुख्य अतिथि संदीप मारवा, अजरबैजान देश के भारत में दूत H.E. अशरफ सिखलियाव, एस कुमार मोहन और अजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में सर्वप्रथम संदीप मारवा ने आए हुए सभी आगंतुकों को धन्यवाद देते हुए सभागार में उपस्थित सभी छात्रों को संबोधित किया। वन ऑफ देम इज इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर। ऑलमोस्ट 12 इयर्स बैक वी डिसाइडेड टू हैव दिस ऑर्गेनाइजेशन सो दैट वी कैन वर्क ऑन कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म एंड ऑल्सो लुक इनटू द वेज एंड मींस ऑफ जर्नलिज्म एंड जर्नलिस्ट रिक्वायरमेंट्स इन दिस कंट्री। H.E. अशरफ ने छात्रों को बताया कि जर्नलिज्म सिर्फ पढ़ाई और सूचना का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सूचना को सही तरीके से प्रस्तुत करने की एक चुनौती भी है। And I'm grateful for Mr. Marwa that 2 years ago we had the whole collection of Hari Birbhum dresses. वहीं एस कुमार मोहन ने फिल्म इंडस्ट्री में बिताए अपने 40 वर्षों के अनुभव को छात्रों के बीच बांटा। जो जर्नलिस्ट लोग हैं वो देश की बुनियाद होते हैं, सोसाइटी का आईना होते हैं। हमने इतने सालों में यही देखा है कि जब जो भी हम काम करते हैं वो इतनी सिंसियरिटी के साथ में, डेडिकेशन के साथ करते हैं, जैसे मरवा साहब, ही इज आवर इंस्पिरेशन। कार्यक्रम के अंत में अजरबैजान की डॉक्यूमेंट्री फिल्म द लीजेंड ऑफ खरी बुलबुल की स्क्रीनिंग भी की गई, जिसको देखकर उपस्थित सभी दर्शक काफ़ी उत्साहित नजर आए और छात्रों ने इस फिल्म को खूब सराहा। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, इससे हमें काफ़ी इमोशंस के बारे में पता चलता है, प्यार, घर, फैमिली सब के बारे में। मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसा कि आपने देखा, कार्यक्रम के दूसरे दिन कई सारे जर्नलिज्म क्षेत्र के कई सारी हस्तियाँ यहाँ मौजूद रही। साथ ही आज के कार्यक्रम में अजरबैजान देश के भारत में दूत रहे H.E. अशरफ सिखलियाव भी यहाँ मौजूद थे और साथ ही उन्होंने अजरबैजान की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी यहाँ छात्रों को दिखाई गई, जिससे छात्र काफ़ी उत्साहित रहे। तो फिर मिलेंगे हम आपसे इस उत्सव के तीसरे दिन। आप ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।